हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए जब आप ऑनलाइन गिटार खरीद रहे हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिटार आप ऑफलाइन खरीदे किसी स्टोर से या ऑनलाइन खरीदे किसी वेबसाइट से, दोनों के ही अपने फायदे और घाटे हैं। तो अगर आप किसी स्टोर से खरीदते हैं तो उसका फायदा तो ये रहता है कि आपको जो है गिटार देखने को मिल जाता है। खरीदने से पहले आप गिटार को अच्छे से चेक कर सकते हैं, गिटार को प्ले करके देख सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी गिटार आता है। इसके अलावा आप अलग अलग गिटार के साइजेस भी चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको 1 ईयर वारंटी मिलती है। तो बेसिक सर्विस सेटअप आप 1 साल में फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं उस स्टोर को विजिट करके। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ फ्री एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं। कई स्टोर्स अच्छी ऑफर देते हैं, एक ओवरऑल अच्छा बंडल देते हैं जिसमें आपको गिटार के साथ पैडेड बैग और कुछ बेसिक एक्सेसरीज मिल जाती है सेम प्राइस में। लेकिन यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाते हैं स्टोर से खरीदने के, जैसे कि अगर आप किसी स्मॉल टाउन से हैं जहाँ पे कोई म्यूजिक स्टोर है जिसके पास लिमिटेड वेराइटी है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप कोई प्रीमियम क्वालिटी का गिटार नहीं खरीद सकते। कई स्टोर्स आपको जो है स्पेशल ऑर्डर पे मंगा दे, लेकिन उसमें जो है प्राइस आपको कई बार ज़्यादा देना पड़ता है, इवन MRP से भी ऊपर देना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेज हो जाता है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्मॉल सिटीज़ में रह रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर गिटार में कोई दिक्कत आती है और ऐसी नीड होती है कि गिटार को रिप्लेस करना है, तो कई स्टोर्स रिप्लेस नहीं करके देते गिटार, तो वो उस गिटार को यूजुअली रिपेयर करते हैं और अवॉइड करते हैं रिप्लेस या रिटर्न करना। और यही जो डिसएडवांटेजेस हैं ऑफलाइन स्टोर के, ये हो जाते हैं बेनिफिट्स ऑनलाइन खरीदने के, कि आपको जो है इवन अगर आप किसी स्मॉल टाउन में रह रहे हैं तो आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी जो कि आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो है रिटर्न रिप्लेसमेंट भी जो है इजी होता है, कि सपोज़ आपने अमेजोन से गिटार लिया तो उसमें 10-day रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है। इसके अलावा कई मेजर वेबसाइट्स होती है जिनकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग और इन ट्रांजिट डैमेज और डिफेक्ट। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में जो बेसिक घाटा होता है वो यही होता है कि आप जो है चीज़ को चेक नहीं कर सकते, आपको जो है अलग अलग चीज़ें ट्राई करने को नहीं मिलती। तो ऑनलाइन खरीदना या स्टोर से खरीदने के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा ऑनलाइन गिटार खरीदने की, क्योंकि क्या होता है बहुत सी चीज़ें इवन मैंने भी खरीदी ऑनलाइन क्योंकि मुझे वो स्टोर पे नहीं मिलती, और मैं जो है इतना प्रेफर नहीं करता कि मैं अलग अलग स्टोर्स पे जाके पता करूँ ट्राई करूँ। तो बहुत ही ऐसी मेरे को कई पेक्यूलियर गिटार मॉडल्स होते हैं या एम्प होते हैं जो कि मेरे को डेली NCR में नहीं देखने को मिलते। इसके अलावा कई गिटार्स पे अच्छी डील भी होती है जो कि ऑनलाइन होती है। तो मैं काफ़ी सालों से ऑनलाइन खरीद रहा हूँ और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आई है, कोई इशू आया है, तो वो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो गई और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आई मेरे को। अब ऑनलाइन जब आप म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेने का सोच रहे होते हैं तो सबसे पहले लोग जाते हैं अमेज़ॉन पे, क्योंकि उनकी जो रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग वेबसाइट्स पे काफ़ी वैरायटी देखने को मिल जाती है, और कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे जो कि अमेज़ॉन पे लिस्टेड नहीं होंगे जो कि आपको बाकी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है जो आपको याद रखना चाहिए ऑनलाइन गिटार खरीदने से पहले, वो ये है कि जो भी आप गिटार मॉडल चूज़ कर रहे हैं उसकी इमेजेस गूगल पे ज़रूर सर्च करके देखें। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि ये कॉर्ड AD880 है जो कि अमेजोन पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गिटार की पिक है इसमें आपको कट अवे ड्रेडनॉट साइज गिटार दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में गूगल करेंगे तो ये एक नॉन कट अवे गिटार है। जो AD880 CE होता है वो होता है कट अवे डिज़ाइन वाला ड्रेडनॉट साइज अकूस्टिक गिटार। तो यहाँ पे क्या होता है कि एट टाइम्स गलत पिक डाल दी जाती है, तो इससे क्या होता है कि कट अवे डिज़ाइन वाला अकूस्टिक गिटार माइंड में रखते हुए जो है कस्टमर ऑर्डर करता है और उसको दूसरा डिज़ाइन मिलता है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है बहुत लोगों को नहीं अच्छी लगती। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आपको जो भी गिटार मॉडल पसंद आ रहा हो आप उसको गूगल करिए, उसकी इमेजेस देखिए कि एक्चुअल इमेजेस क्या है। क्या होता है जो इंटरनेशनल स्टोर्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में लोकेटेड होते हैं वो भी वही सेम मॉडल्स की पिक अपलोड करते अपनी वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट डिज़ाइन क्या अवेलेबल है उस पर्टिकुलर गिटार में। और इसके अलावा आप इवन इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं। अभी मैं एक गिटार देख रहा था जो कि मेरे को उसकी एग्जैक्ट इमेज नहीं मिल रही थी, तो मैंने गूगल पे भी देखा, उस पर मेरे को 2-3 रिजल्ट्स मिले, लेकिन मैंने इवन इंस्टाग्राम पे भी देखा जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। तो गूगल भी करिए, इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च करिए, आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एग्जैक्ट इमेजेस देखने को मिल जाएंगी।
सेकेंड पॉइंट है इंक्वायरिंग अबाउट डिलीवरी अवेलेबिलिटी, रिवर्स पिकअप ऑप्शन एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पे अमेजोन में तो आपको स्ट्रेट अवे 10 डेज की रिप्लेसमेंट और कुछ प्रोडक्ट्स पे रिटर्न की पॉलिसी मिल जाती है, लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट से खरीदते हैं जैसे कि bajao.com, procraftindia.com, cadence.in, fatadosonline.com, तो इन सब वेबसाइट्स की जो है जो रिप्लेसमेंट और रिटर्न पॉलिसी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है और ये वेरी कर सकती है। कुछ लोग आपको 10 डेज की रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी दे सकते हैं, कुछ जो है आपको इमीडिएट रिपोर्टिंग के लिए बोलेंगे कि विद इन 2-3 डेज अगर आपके कोई भी डैमेज या डिफेक्ट है तो उसको रिपोर्ट करिए। तो ये जो है बेसिकली वेरी करता है वेबसाइट टू वेबसाइट। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट चूज करते हैं गिटार या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए, तो पहले उस वेबसाइट पे कॉल करिए, उनसे आप डिलीवरी के बारे में पूछिए कि आपके एरिया में डिलीवरी पॉसिबल है कि नहीं और कितने डेज लगते हैं। इसके अलावा रिवर्स पिकअप एक ऑप्शन है कि नहीं। रिवर्स पिकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है और अगर आपके पिन कोड पे नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि आप अवॉइड करिए फिर ऑनलाइन उस वेबसाइट से गिटार लेना, क्योंकि क्या है अगर कोई भी डिफेक्ट या डैमेज निकलता है आपके इंस्ट्रूमेंट में तो रिवर्स पिकअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इससे क्या है आपको रिप्लेसमेंट इजीली मिलेगी और आपको जो है अपनी तरफ से जो प्रोडक्ट है वो शिप नहीं करना पड़ेगा उस वेबसाइट को, क्योंकि अपनी तरफ से अगर आप शिप करेंगे तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ जाएगा और इसके अलावा डैमेज होने के भी चांसेज है कि जब वो वेबसाइट रिसीव करे प्रोडक्ट तो वो डैमेज निकले। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको सेलर रेटिंग जरूर चेक कर लेनी चाहिए जब आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो। यहाँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है इंडिया में सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और आपको एक ही गिटार के कई सारे सेलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप कोई भी प्रोडक्ट पेज खोलते हैं, आप उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अलग अलग सेलर्स ने अलग अलग प्राइस लिस्ट कर रखा है। थोड़ा बहुत प्राइस का डिफरेंस होगा हर सेलर के। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली उस सेलर से लेना है जिसकी रेटिंग अच्छी है। तो जिसकी भी रेटिंग 4 या अबव है उस सेलर को चूज़ करिए। चाहे आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो आप वहाँ पे पैसे सेव करने का मत सोचिए कि 200-400 रुपये बचा के आप जो है एक अच्छी डील ले रहे हैं। मेन है कि सेलर अच्छा होना चाहिए, उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए कि एवरेज सारे कस्टमर्स ने कैसा फीडबैक दिया है जिन्होंने भी उससे गिटार खरीदा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आप जो है थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा दे दीजिए ऑनलाइन, लेकिन अच्छे सेलर से लीजिए, क्योंकि इससे आपका इंस्ट्रूमेंट एक तो जेन्युइन निकलेगा, इसके अलावा जो पैकेजिंग है वो अच्छी होगी और डैमेज और डिफेक्ट के चांसेस भी काफ़ी कम रहेंगे, जिससे कि आपकी जो ऑनलाइन परचेस है वो काफ़ी सेफ हो जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो आपको हमेशा एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना लेनी चाहिए आप जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट या एक्सेसरी कुछ भी खरीद रहे हो। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर होता है तो आप जो है उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाइए। इससे क्या है एक काफ़ी अच्छा प्रूफ हो जाता है कि इन केस अगर कोई भी डैमेज या डिफेक्ट दिखा तो उस वीडियो में दिख सकता है और आप उस चीज़ का क्लेम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप अमेजोन पे ले रहे हैं तो उधर ऑल्दो आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलती है, लेकिन सेफ साइड के लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहेगी अगर आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं, तो आप वेबसाइट को मेल कर सकते हैं वीडियो, आप उनसे बात कर सकते हैं और आपका पॉइंट जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाकर, क्योंकि उसमें पिक से ज़्यादा अच्छा ओवरऑल जो है देखने को मिल जाता है और एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि आपके प्रोडक्ट में कोई डैमेज या डिफेक्ट है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको जो ओवरऑल पैकेजिंग है आपके गिटार की या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की उसको फेंकना नहीं चाहिए। अब यूजुअली क्या होता है जैसे गिटार जो है वो 2 बॉक्सेस में आता है, तो आपको वो दोनों बॉक्सेस पहले 10 दिन के लिए संभाल के रखने चाहिए। अब इसका रीज़न ये है कि फर्स्ट डे सपोज आपके गिटार में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मे बी 7th-8th डे कोई प्रॉब्लम आपको दिखे या कोई प्रॉब्लम हो जाए गिटार में, तो 10 डेज तक आपको जो है पैकेजिंग को संभाल के रखना है, उसको इमीडिएटली थ्रो नहीं करना। 6th पॉइंट है कि आपको अपना गिटार एम्पलीफायर या कोई भी अगर आप प्रोसेसर लेते हैं तो आपको उसे थॉरली चेक कर लेना चाहिए। तो अगर आप गिटार लेते हैं तो मैंने इलेक्ट्रिक गिटार और अकूस्टिक गिटार पे क्वालिटी चेक पॉइंट्स की वीडियो बनाई है, उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं, उनका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अगर आप एम्पलीफायर या प्रोसेसर लेते हैं तो उसमें भी जो है आप अलग अलग जो भी उसके फंक्शंस है उसको यूज करके देखिए। तो जिसे एम्पलीफायर में अलग अलग टोन चैनल्स होते हैं उनमें प्ले करके देखिए। इसके अलावा जो अलग अलग नॉब्स होती है जैसे कि गेन नॉब हो गई, टोन नॉब हो गई, वॉल्यूम नॉब हो गई, इनको मूव करेंगे तो आपको साउंड में चेंज सुनाई देगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपके ऐप में दिक्कत है कि नहीं। इसके अलावा प्रोसेसर में भी आप जो है बेसिक फंक्शनैलिटी चेक कर सकते हैं। अलग अलग बटन जब आप प्रेस करेंगे तो जो भी पर्टिकुलर फंक्शन होगा वो एक्टिव हो जाएगा, आप प्रोसेसर की स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इससे क्या है आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा
कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सेवेंथ पॉइंट की बात करें तो वो है रिपोर्टिंग द इशू इमीडिएटली। अब अगर आपके गिटार में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत आती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या इन ट्रांजिट डैमेज हुआ है और आपने ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए ये फॉलो किए हैं कि आपने वीडियो भी बना ली, अच्छे से उसको चेक भी कर लिया और कोई दिक्कत आई है गिटार में, तो आपको क्या करना है, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। अगर सपोज किसी वेबसाइट की 10 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है तो भी आप उसको मैक्सिमम 2 डेज के अंदर रिपोर्ट करिए। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो चीज़ को या तो अच्छे से चेक नहीं करेंगे और अगर चेक कर भी लिया है तो वो वेट करते रहते हैं लास्ट डे का कि भाई लास्ट डे जब आएगा रिप्लेसमेंट पॉलिसी का तो हम तब रिपोर्ट कर देंगे। तो इस चीज़ में आप थोड़े से पर्टिकुलर रहिए कि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करिए ईमेल के थ्रू। एक पॉइंट की बात करें तो आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यूसली यूज करना है फॉर द फर्स्ट 10 डेज। तो बेसिकली जो भी आपके रिप्लेसमेंट पॉलिसी के डेज होते हैं, जैसे कि अराउंड 10 डेज होते हैं ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के, तो पहले 10 डेज जैसे ही आपके पास गिटार आया उसमें सब कुछ ठीक है तो उसको एक तो स्टैंडर्ड ट्यून करके रखिए, बार बार उसको ट्यून अनट्यून मत करिए और जो है गिटार को अच्छे से यूज़ करिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो उस पर गिटार सीखना शुरू करिए, लेकिन जो है गिटार को यूसेज में लाइए। ये ना हो कि आपने गिटार खरीद के रख लिया और उसके बाद 15-20 दिन एक महीने बाद आप गिटार को यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आपको कोई इशू दिख रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप गिटार या कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन ले तो यही सोच के ले कि आप उसको इमीडिएटली यूज़ करेंगे। अगर ऐसा है कि आप उसको ले के रख रहे हैं और इमीडिएटली यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कोई अगर दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आई तो आप जो है उस इंस्ट्रूमेंट को रिप्लेस नहीं करा पाएंगे। अब नाइन्थ पॉइंट है कि कब आपको गिटार को रिप्लेस कराना है और कब नहीं कराना है। अब क्या है कि अगर आपके गिटार में कोई बहुत सीरियस इशू है, जैसे कि ब्रिज सेपरेट हो रहा है गिटार की बॉडी से या अगर नेक में क्रैक है, तो आपको अपने गिटार को रिप्लेस कराना चाहिए। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक गिटार में आपको दिक्कत आ रही है कि आपके जो गिटार में साउंड क्लियर नहीं आ रही या जो पिकअप सिलेक्टर है नॉब्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, तो आपको रिप्लेसमेंट का सोचना चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे कि गिटार के एच पे थोड़ा सा हल्का सा डेंट है जो कि एकदम विजिबल नहीं है या अगर स्ट्रिंग्स रस्टेड हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं है कि आप जो है इतना पूरे प्रोसीजर को फॉलो करें कि आप उसे रिप्लेस कराएं। तो ये आप काम चला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बहुत ही पर्टिकुलर है कि नहीं। जैसे कि पर्सनली मेरे को जो है अगर छोटी मोटी कोई चीज़ है, कोई ऐसी विजिबल नहीं है, तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। अगर स्ट्रिंग्स रस्टेड हैं तो मैं स्ट्रिंग्स चेंज कर देता हूँ। वैसे भी जो भी गिटार में स्ट्रिंग्स लगी हुई आती है मैं प्रेफर करता हूँ कि नई स्ट्रिंग्स जो है उनको यूज़ करूँ, उससे आपको जो है ओवरऑल अच्छी टोन भी मिलती है और प्लेबिलिटी भी मिलती है। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप जो है रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए मत जाइए। अगर कोई भी मेजर इशू होता है जो कि आगे आपकी गिटार को इफेक्ट करेगा, उसके लिए जो है आप रिप्लेसमेंट कराइए। और लास्ट पॉइंट है वो है वारंटी। अब क्या होता है कि ऑनलाइन आपको जो है वारंटी नहीं मिलती। जैसे आप किसी स्टोर पे भी गिटार लेने जाएंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि अगर आपको ऑनलाइन गिटार सस्ता मिल रहा है तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो ये एक फैक्ट है कि हाँ, आपको जो है स्टोर पे वारंटी मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन जो है आपको उस तरीके की वारंटी नहीं मिलती बेसिक सर्विस और सेटअप की। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके गिटार में फर्स्ट 10 डेज में कोई दिक्कत नहीं आई तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि गिटार जो है स्टार्टिंग में सही रहा लेकिन आगे जाकर दिक्कत आ गई, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और यूजुअली गिटार जो है वो एकदम सही चलता है अगर फर्स्ट फ्यू डेज में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट से ले रहे हैं तो आप वारंटी के बारे में पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो भी गिटार या जो भी ब्रांड आप ले रहे हैं उस पे वारंटी की क्या पॉलिसीज हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा और आप जो है आराम से ऑनलाइन खरीदने का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।